तो गाइस आज जो है मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूँ ऑफ मोस्ट डायमंड्स माइन इन अ सिंगल माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड। तो गाइस इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, ये रही उसकी एक छोटी सी क्लिप। तो गाइस आज जो है 26 जून 2021 है, आई डोंट नो आप फ्यूचर में कब देख रहे हो क्लिप्स, लेकिन आज जो है अपने मोस्ट डायमंड्स इन अ सिंगल वर्ल्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड पे काम स्टार्ट करने वाला हूँ। करंटली 25,000 सब्सक्राइबर्स है, होपफुली 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आई डोंट नो, दोज वर सम हंबल बिगिनिंग्स गाइस। लेकिन इसके बाद जो है मैंने ग्राइंड स्टार्ट कर दी, मैंने एक डायमंड बीकन बनाया, उसके बाद 4 डायमंड बीकन्स बनाया, इसके बाद मैंने एक मॉब के स्टेज के लिए भी डायमंड्स लगाए थे, लेकिन फिर भी जो है मैं सिर्फ 6,000 डायमंड से कलेक्ट कर पाया। तो इसके बाद सतक्सु ने जो है 20,000 डायमंड कलेक्ट करके वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, एंड आज हम उसका रिकॉर्ड जो है ब्रेक करने वाले। तो गाइस सतक्सु से मेरे को याद आता है कि हम उसके साथ जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की रेस में, एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट कर दो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस इस वीडियो को बनाने मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड या एंजॉय। ऑल राइट गाइज, तो अभी जो है मैं पहले चेक कर रहा था मेरे पास एक्चुअली में कितने सारे डायमंड्स पड़े हैं। तो अगर मैं इसको निकालूं यहाँ से, तो ये डायमंड ब्लॉक्स जो है मेरे पास अभी पड़े हैं, एंड इसको मैंने कैलकुलेट करा, इस बॉक्स के अंदर करंटली है 5,576 डायमंड्स, जो कि इनफ नहीं है, हमें रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए इसे 3 गुना ज़्यादा डायमंड्स चाहिए। एंड या मेरे पास कुछ यहाँ पे डायमंड और भी पड़ी है, वो भी देख लेते हैं कि ये और पड़ी है। मैं सारे चलकर बॉक्सेज में से और निकाल लेता हूँ पहले कितनी पड़ी है, फिर देखते हैं। तो गाइस जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे तो बहुत ज़्यादा निकल गई है भाई, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाई 5.5 स्टैक जो है यहाँ से डायमंड की और निकली है। तो अभी जो एक्चुअली इनको फॉर्चून करके देखते हैं कितनी है। ओके ये रही मेरी फॉर्चून वाली पिक एक्स, ऑलराइट यहाँ पे जो है ब्लॉक्स को लगाते हैं। एंड गाइस आप नीचे कमेंट्स में इतना गैस करो कि 5.5 डायमंड और से जो है हमें कितने सारे डायमंड्स मिल सकते हैं। लेट्स गो, सबसे पहले इसको लगा देते हैं यहाँ पे जल्दी से। ऑल राइट गाइस, तो देखो यहाँ पे जो है मैंने सारे के सारे जो है डायमंड और लगा दिए हैं भाई, बहुत ज़्यादा छोटा लाइक पहाड़ सा नहीं बन गया ये, लोल। ऑल राइट, तो अभी जो है मैं लेता हूँ अपनी यस ये रही 4-3 वाली पिकैक्स, एंड जो है ऊपर चलते हैं। ओके लगते हैं काम पे, एंड गैस करा तुमने कमेंट्स में कितने हमें डायमंड मिलने वाले हैं 5.5 स्टैक से, कर देना। एंड या अब जल्दी से सबको जो है माइन करते हैं, लेट्स गो। बट लेट मी टेल यू अबाउट ओसोबु सर्वर, जहाँ पे जाएगा 40,000 से भी ज़्यादा बंदों ने जो है अपना लैंड ऑलरेडी क्लेम कर दिया है। एंड ओसोबु जाएगा एक लैग फ्री सर्वर है जिसमें पॉकेट एडिशन एंड जावा एडिशन वाले दोनों प्लेयर खेल सकते हैं, एंड पिछली बार से जो इनका सर्वर एंड किया है बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ओसोबु ऐप के बारे में, जहाँ पे आप इंटरेस्टिंग माइंड का वीडियोस देख सकते हो, यहाँ से जाएगा आप क्रिएट कीज एंड पोशन तक बाय कर सकते हो, एंड स्किन्स भी ले सकते हो जो कि नए नए डिफरेंट पावर्स के साथ में आती है। एंड इसके अंदर सारी चीजें गाइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, जो कि मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है। एंड एक और चीज गाइस, आप ओसोबु फीड के अंदर अपनी वीडियोस अपलोड भी कर सकते हो, बिकॉज ओसोबु ने जो है क्रिएटर प्रोग्राम ला दिया जहाँ पे जो है आप माइनक्राफ्ट की वीडियोस अपलोड करके जो है ओसोबु जैम अर्न कर सकते हो, एंड उनको जो है देन रियल मनी में विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है कल यहाँ पे वीडियो अपलोड करी थी जिसका गाइस ये रहा पे आउट, भाई साहब देखो यार कितनी ओपी चीज है ये। तो यहाँ देखो गाइस मैं क्रिएटर लॉबी में आ चुका हूँ, यहाँ पे जो है अपनी शॉप्स वगैरह सेट करके जो है यहाँ से भी काफी सारी ओसोबु जेम्स जो है अर्न कर सकते हो। तो गाइस आप जो है तुम्हें बताता हूँ ओसोबु डंजन्स के बारे में, जहाँ पे गाइस इनवाइट सिस्टम है, यानी कि अगर आप खेल रहे हो तो आप सिर्फ 3 बंदों को इनवाइट कर सकते हो, एंड मैं भी जो है तुम में से किसी 3 लकी बंदों को यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप डंजन्स को बिना एक्सेस के ज्वाइन करना चाहते हो तो क्रिएटर सर्वर के थ्रू भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो बस गाइस वेट क्या करो, जल्दी जाओ ओसोबु ऐप को डाउनलोड करो एंड ज्वाइन करो ओसोबु सर्वर को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या नाउ बैक टू द वीडियो। ऑल राइट गाइस, सारे के सारे जो है डायमंड को मैंने माइन कर लिया, एंड मेरे को मिले हैं 806 डायमंड्स। एंड अगर जो हम इसको अपने प्रीवियस जो डायमंड्स थे इनके साथ में ऐड करें, एंड इसी के साथ में यहाँ पे हो जाता है 6,200 डायमंड, जो कि इनफ नहीं है, हमें जो है स्टिल 3 गुना ज्यादा डायमंड चाहिए, तो हमें जाना पड़ेगा गाइस अब प्लान बी पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी जो है ये डायमंड की जो माइनिंग मशीन है इसको बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक मैसा बायोम, एंड मैसा बायोम के कोऑर्डिनेट्स रहे गाइस ये। तो गाइस नेदर में जो है इस कोऑर्डिनेट्स पे जाके जल्दी से एक पोर्टल बनाते हैं, लेट्स गो। 214 तो ये रहा वो कोऑर्डिनेट। Alrighty, let's go. Please इसके पीछे जो है मैसा बायोम, please, 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 let's see, let's see, let's see. Okay. Yes. So guys, ये है हमारे बेस के सबसे क्लोजेस्ट मैसा बायोम। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें मैसा बायोम ही क्यों चाहिए थी इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड डायमंड्स का मैसा बायोम से क्या कनेक्शन है, सब बताता हूँ। सो हियर इज अ थिंग, मैं जो है इन फ्यूचर बनाने वाला हूँ एक क्वेरी। अब क्वेरी होता है बेसिकली एक माइनिंग मशीन जो अपने एरिया में जितने भी ब्लॉक्स होती हैं उनको माइन करती है, एंड उनको जो है वहां
वहां से माइन करके डायरेक्ट डालती है चेस्ट में। यस, ऐसी एक मशीन पॉसिबल है माइनक्राफ्ट में, एंड हम वो बनाने वाले हैं। एंड ऐसी मशीन को बनाने के लिए हमें जो है नीचे का जो हिस्सा होता है उसको खाली करना पड़ता है, एंड ऊपर के हिस्से को भी खाली करना पड़ता है, जिसको जो है हम आज की वीडियो में करेंगे। नीचे के हिस्से को जब हम खाली करेंगे तो वहां से डायमंड्स भी निकालेंगे, तो अपना डबल फायदा है इससे। तो या सबसे पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा जो 500 ब्लॉक्स तक सीधा लंबा हो, बीच में कोई भी रिवर या ओशन वगैरह ना हो, तो मैं जल्दी से ढूंढ लेता हूँ वो। ऑल राइट गाइज, तो तुम्हें दिखाता हूँ ये जो मशीन है जो हम बनाने वाले हैं। तो मैं जस्ट ऐसे यहाँ पे जो है ब्लू प्रिंट लोड कर रखा है इसका, ये एक्चुअली ब्लॉक्स नहीं है, जिनको पता है उनको पता है। तो ये बेसिकली या तो ये जो है 500 ब्लॉक्स लंबी मशीन है, तो तुम्हें 3200 डिस्टेंस की वजह से छोटी लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी मशीन है। एंड जो है मैंने सोचा कि इस एरिया को जो है सबसे पहले, जितना बड़ा ये एरिया दिख रहा है तुम्हें स्क्वायर में, छोटे से स्क्वायर में, इसको पहले जो है बेडरॉक तक खाली करते हैं, और वहाँ पे जो है नीचे फिर ये मशीन बनाएंगे। सो या आई थिंक अभी तो इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। तो गाइस ये एरिया जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मेरे पोर्टल काफी पास है, एंड यहाँ पे जो है अभी प्लान है बनाने का, तो अभी सोचता हूँ मैं कैसे बनाऊंगा, एंड लेट्स सी। तो गाइस अभी जो है मैं मैसे बायम से आ रहा था, एंड मेरे को देखो क्या दिखता है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर भाई, ये फ्रॉग्स का, ओ अभी याद आया मेरे को, हमने एक दो एपिसोड पहले जो है फ्रॉगलाइट फार्म बनाया था। यप आई थिंक ये वही पोर्टल जिसे मैं फ्रॉग्स को लेके आया था। अभी मैं इस पोर्टल को एक्चुअली बंद कर देता हूँ ताकि फ्रॉग्स वापस ना चले जाएं। अब तुम सोचोगे इनको मैं वापस क्यों नहीं भेजना चाहता। वेलकम टू हेल बॉयज। चलो चलता है सामान लेके आते हैं। राइट गाइस, तो मैंने जो है ये ट्रेंचर बना दिया है, वहां तक का जो है तुम्हें दिख रहा होगा, वहां तक ये जाएगा, वहां से वापस आएगा। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखे उनको पता है कैसे वर्क करता है। तो ये जो जितना भी तुम्हें स्क्वायर दिख रहे हैं जो इस ट्रेंचर के अंदर अंदर आ रहे हैं, सारा जो है बेडरॉक तक खाली करना, तुम्हें जल्द दिखाता हूं मैं। ये टॉर्च यहां पे लगाते चल जाना चाहिए, प्लीज चल जाइए भाई प्लीज। 3 2 1 ओके पहला चल गया। ओके TNT भी डुप्लीकेट हो रहे हैं। नाइस, इट्स वर्किंग सही है। इट्स वर्किंग लेट्स गो। अभी देखते हैं, बस ये जो है अपने आप को ना फोड़ दे जब ये थोड़े ऊपर वाले लेवल पे आएगा, वो बस मेरे को एक बार देखना है, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ओके भाई बहुत सही काम कर रहा है अभी तो ये। ओके ओ माय गॉड, ये क्या हुआ एकदम से क्या हुआ थे, और रुक गया एक सेकंड, ये रुक क्यों गया, वेट ये रुक क्यों गया भाई एक सेकंड, कुछ दिक्कत है। अरे सिमुलेशन डिस्टेंस कम था नो, इसको तो मेरे को 32 रखना था। दिक्कत है बाबा दिक्कत है। तो यार मैं ध्यान नहीं रहा, छोटी सी खुदू मिस्टेक कर दी मैंने यार, ये वापस ही जाएगा ब्रो। एक काम करते हैं, इन सारी मशीन्स को वापस भेजते हैं, एंड इस वाले हिस्से को जो है मेरे को जो TNT डुप्लीकेट करता है इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो मैं जो है इसे दोबारा से बना दिया, एंड अब की बात जो है मैंने याद रखा है सिमुलेशन डिस्टेंस जो है 32 है, रेंडर जंक्स भी चलो 32 है। एंड जिन लोगों को पता नहीं गाइस सिमुलेशन डिस्टेंस क्या होता है, सिमुलेशन डिस्टेंस बेसिकली माइनक्राफ्ट की जो एंटिटीज होती हैं, जो मोशन होता है माइनक्राफ्ट के अंदर, वो कितने ब्लॉक्स तक रेंडर होएगा उसका डिस्टेंस को सिमुलेशन डिस्टेंस कहते हैं। रेंडर जो है सिर्फ वो होता है, जो रेंडर है वो बेसिकली चीज़ है जो सॉलिड चीज़ें हैं जिनको कोई फर्क, जिनमें कोई मोशन नहीं है, वो रेंडर डिस्टेंस में आती हैं, एंड जिन चीज़ों के अंदर मोशन है वो सिमुलेशन डिस्टेंस में आती हैं। सो या बेसिकली वो मेरा कम था तो इस वजह से फेल हुआ। एंड अगर मैं बटन दोबारा से दबाऊँ अभी मशीन चलेगी या फिर चल रही है बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, या चारों डुप्लीकेटर चल गए चल गए। एंड ये मशीन गाइस मेरे को तोड़ तोड़ के बाय द वे नीचे बनानी पड़ेगी एक दो बार ताकि मैं बेडरॉक तक क्लियर कर पाऊँ। बस मेरे को ये देखना कि अपने आपको तोड़ ना ले और वापस आए वहाँ से टच होके। लेट्स सी। ओके अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। ओह माय गॉड, ओके अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। ओके अभी तक जो है बिल्कुल सही चल रहा है भाई, बहुत ज्यादा आवाज है, अभी मैं इधर खड़ा होता हूँ। बस मेरे को ये देखना है डुप्लीकेटर टूटे ना, प्लीज वापस। यस ओके पहली बारी वापस हुई, दूसरी मशीन भी वापस हुई, तीसरी भी वापस। ओ यस एक बार यस, चारों की चारों मशीन जो है वापस जाने लग गई है, थैंक गॉड। अगर ये सीधा जाता रहता था बहुत ज्यादा सीन हो जाता था इस गंदे वाला। ऑल राइट वापस आ रही है, बट गाइज यहाँ पे देखो वापस आते बस ये रुक जाएगी, एंड ये तो मशीन, ये तो सिस्टम मेरे को पता है वर्क करता है बहुत अच्छे से। एंड ये देखो ये वाली यहाँ पे रुक गई, सेकंड वाली भी रुक गई है, थर्ड वाली भी रुक गई है, एंड विद दैट गाइस चारों की चारों मशीन जो है यहाँ पे रुक गई है। एंड ये रही वो डिस्ट्रक्शन जो कि एक मूव में जो है इस पूरी मशीन ने करी है भाई साहब देखो। तो गाइस बस ऐसे जो है मेरे को पूरे जो ये एरिया है यहाँ तक मेरे को बेडरॉक तक खाली करना है। तो यार लगता है काम पे, एंड कुछ भी अगर बीच में कुछ खास होता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड यार उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो हम जगह लिटरली सतक्षु के साथ 1 मिलियन की रेस में, आज तो हम उसका डायमंड का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन हम उससे सबसे जो है आगे निकलना है और वो मेरे से लिटरली 1 लाख सब्सक्राइबर्स आ गया। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज बहुत मेहनत लगी है। नाउ गाइस बैक टू द वीडियो।
गाइस हमने जो है सारा का सारा एरिया खाली कर, मजाक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा भाई, देखो कितना ज्यादा पानी आ चुका है यार यहाँ पे। लिटरली भाई साहब सारी नदी जो है ऊपर से टूट के नीचे गिर गई भाई। ये देखो तुम्हें गिर के दिखाता हूँ, भाई ये देखो कहाँ से आ रहा भाई ये पानी, भाई कुछ भी हो रखा है यहाँ पे। देखो यार मैं तो अभी क्या नाम है डीप स्लेट तक भी नहीं पहुंचा था, यहाँ पे नदी मिल गई मेरे को भाई, वहां से भी पानी आ रखा है। यार हद होती है यार। तो भाई अभी जो मैं स्पंज वंज लेके आया हूँ, तो बस यार अभी जो है इस तरीके से मेरे को स्पंज लगा के जो है यहाँ से पानी ऐसे हटाना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। अरे देखो वापस आ भी गया भाई, बहुत दिमाग खराब कर रहा है मेरा। जल्दी से जो है गाइस ये पानी हटाते हैं यार। ओके जल्दी से पानी हटा के फिर जो है अपने काम पे लेंगे, जल्दी हटाते हैं इसे। ऑल राइट भाई सारा पानी, हाँ एक तो रहना ही था भाई, एक ब्लॉक तो रहना ही था। यस ओके 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 भाई उड़ा दिया गाइस यहाँ से पानी फाइनली। ओके ओ भाई ओके सारा पानी गाइस यहाँ से जा चुका है, अब जो है जाके फाइनली मशीन को जो चलाते हैं। ऑल राइट ऑल भाई साहब ओके 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 भाई साहब ये जो है मशीन यहाँ पे चल चुकी है। एंड या गाइस आप जो और कोई दिक्कत हो तो मैं बताता हूँ। एंड वंडर सीधा जो तुम्हें बेडरॉक पे खाली करके मिलता हूँ, लेट्स गो। भाई क्या चल रहा है, एक नदी अभी खत्म करी थी भाई, एक बार मैंने मशीन चलाई और जस्ट अभी मशीन चला के आए भाई साहब। ये देखो भाई एक नदी एक और निकल गई, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। ऑल राइट भाई दोबारा से खाली कर दिया, बीच में ब्लॉक टंग रहा भाई ये, एक सेकंड इसको तोड़ देते हैं। यस अब जो है जाके गाइस दोबारा चलाते हैं, अब तो बेडरॉक तक खाली करके छोड़ूंगा भाई साहब। अब हाथों भाई भाई साहब ये देखो मैंने जो है पूरी मशीन बना दिया है, लोड हो जाए यार। भाई साहब तुम्हें तो रिप्ले में दिखा बट नहीं दिखा एक्चुअली रिप्ले में, ये जो माइन हाँ यार मैं डर गया 2 सेकंड के लिए कि हाँ कि माइन कार्ट कहाँ गई। इनको माइन कार्ट को लगाना इतना पेन है ना भाई, क्योंकि एक चीज़ तुम्हें दिखाऊं, ये माइन कार्ट के नीचे डिटेक्टर रेल जो कि एक्टिवेट रखती है इसको, जिसे TNT फटता रहता है बार बार। भाई ये मशीन जो है कम से कम 2-3 बार फटी है, बट यार जल्दी मेरे को भी समझ में आ गया था कैसे लगाना, तो पिस्टन से पुश करके लगाना पड़ता है जो कि इतना मुश्किल नहीं था। एंड यार तो अब जो तुम लोगों के सामने इसको ट्राई करते हैं भाई मशीन को, उसके लिए बस मेरे को इस पर राइट क्लिक करना है एंड इसकी चालू हो जाएगी। भाई प्लीज 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 मशीन भाई फूट मत जाइए प्लीज, मेरे को लग रहा थोड़ी सी क्लोज है, बस फूट मत जाइए। ओह एक सेकंड डिस्टेंस कम था, सिमुलेशन डिस्टेंस कम था, सिमुलेशन डिस्टेंस कम था, प्लीज चल जा। भाई क्या यार। तो गाइस अभी जो मैंने सिमुलेशन डिस्टेंस और रेंडर डिस्टेंस को 32 पे रखा है, मैं तो इसको मैक्स कर देता हूँ भाई, दिक्कत नहीं आएगी कुछ। अभी जो है एक चीज़ करनी है, इसको ट्राई करना है। एंड एक और चीज़ तुम्हें दिखाऊं गाइस, हम फाइनली जो है डे 7000 पे पहुंच चुके हैं, 7004 हो चुका है। सो या भाई ये है कॉन्ग्रेचुलेशन की बात, जल्दी से यार नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो भाई, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इवन तो 7000 डेज का टूर आ चुका है, पता नहीं वो मैंने पैसे पहले क्यों निकाल दिया था बट या एनीवेज अभी जो है ट्राई करते हैं भाई, अब सब कुछ सही है चलना चाहिए। अब तो क्या होगा, अबे यार ऑल राइट भाई आप चला के देखते हैं, आप देखते प्लीज भाई चल जाइए यार, इज्जत रख लो। ओ ओके 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 गाइज थर्ड ट्राई, अब जो है ट्राई करके देखते हैं। एंड बाय द वे गाइज मैंने ये भी लगा रखा है विजिबल ओर्स का क्या नाम लेते हैं टेक्सचर पैक, जिससे मेरे को ओर वगैरह जो है दिखते रहेंगे साफ साफ। ऑलराइट सो अभी 3-2-1 भाई प्लीज आगे चल जाइए। इट वर्क्ड एक सेकेंड। और भाई साहब ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं, पूरा आसमान अपनी मुट्ठी में करना है मुझे, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है यार। फाइनली आफ्टर सो मेनी ट्राइज भाई ये फाइनली जो है वर्क कर रहे हैं, देखो हमें डायमंड जो है दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। फाइनली आफ्टर सो मेनी ट्राइज भाई ये फाइनली जो है वर्क कर रहे हैं, देखो हमें डायमंड जो है दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। एंड तो गाइज अब जो है बस ये मशीन जो है मैं चलाता हूँ, एटलीस्ट 1 घंटे की टेस्टिंग मार के देखते हैं मशीन जो है लाइक अच्छे डायमंड हमें दे रही है नहीं। अगर 1 घंटे मेरे को अच्छे डायमंड नहीं मिले तो हम फिर कोई और तरीका निकालेंगे। तो
गाइस मेरे को जो है एक घंटा हो चुका है, वापस चलते हैं होल के अंदर। एंड ये देखो ये रहा वो होल, भाई साहब देखो मशीन कितनी आगे जा चुकी है। एंड एक घंटे में मेरे को मिले हैं इतने डायमंड ओर्स, भाई साहब ये देखो दिस इज लाइक 400-500 डायमंड ओर्स विद इन जस्ट 1 आवर। एंड ये भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मिली थी, बट मेरे को सतक्सु का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए 4 शल्कर बॉक्स भर के पूरे डायमंड। तो मैंने जो है हिसाब लगाया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गूगल एंड सम आई नो पीपल इन गूगल, 1 डायमंड ओर इज इक्वल टू 2.2 डायमंड अगर हम उन्हें फॉर्चून करते हैं। तो उस हिसाब से मेरे को जो है 4 शल्कर बॉक्स ही चाहिए जैसा मैंने बताया। एंड एक घंटे में अगर मेरे को एक लाइन मिल रही है, तो यहाँ पे क्विक मैच करते हैं, तो या 3 लाइनें होती हैं, 4 शल्कर 3, 4, 12 12 घंटे की मेरे को ऐसी माइनिंग करनी पड़ेगी, तब कि मैं ऐसे तक्सु का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ। एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा इससे बड़ा है। ओह माय गॉड गाइस, सो या अब तो मेरे पास और कुछ नहीं है कहने के लिए। या गाइस लगते हैं काम पे। एंड मेरे को यह मेथड बिल्कुल सही लग रहा है, आई थिंक इससे हम जो है लगा सकते हैं 12 घंटे, स्टिल अ गुड टाइम। मेरे को कुछ ऐसे मेथड्स पता है जिनमें अगर नॉर्मल मैं माइनिंग कर रहा होता ना ब्रो, लाइक ये मेरे को लाइक 2-3 दिन लग जाते हैं, तो फिर भी 12 घंटे लग रहे हैं, और मेरे को तो वैसे भी आदत भी है, यू नो मी। ठीक है, तो लगते हैं गाइस काम पे, फालतू बकवास नहीं करते, एंड मैं आपको सीधा मिलता हूँ। यू गाइस एंजॉय द टाइम लैप्स। हाँ तू भी मार ले भाई, मार ले तू भी मार ले, नहीं आजा आजा भाई, आजा आजा ना आजा 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 मार ले भाई, मार ले। क्या है भाई, मतलब मैं सच में जेन्युइनली बहुत ज्यादा अनॉयड हूँ इस मशीन से भाई, क्या दिक्कत है। अभी तो बस स्टार्ट ही करता गाइस तोड़ना, ये देखो भाई आधी मशीन फट गई दोबारा से। कैसे फटी? अरे पानी की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बट एनीवेज गाइस, अब इसको दोबारा तो बनाना ही पड़ेगा यार। अभी लिटरली बस मैं दोबारा करना स्टार्ट करा था भाई, दिमाग खराब हो रखा है इसके साथ में, क्या करूं मैं। इसको दोबारा से बनाते हैं, लगते हैं काम पे। और क्या पूरा भाई मेरे दिल पे आ गया भाई साहब। अरे यार निकल यहाँ से, नीचे लावा मर ओ भाई हिट कर रहा, रेंज अटैक से हिट कर रहा हूँ भाई साहब। लिटरली इतने तगड़े वाला जंप स्केयर दिया ना इसने मेरे को। ओ भाई ओ डैम, कहाँ है भाई ये, कहाँ है? हो सकता है ऐसे उसमें आ जा। नीचे भाई, राइट गाइस, हम जो है फाइनली पहुंच चुके हैं एक पूरा शल्कर बॉक्स ऑफ डीप स्लेट डायमंड और थोड़े से एक्स्ट्रा डायमंड भी है, बट ये पूरा शल्कर भर चुका है। एंड इसमें मेरे को लग गया एक्चुअली 4 घंटे, इवन तो मेरे को कैलकुलेशन के हिसाब से 3 घंटे लगने चाहिए थे, बट बीच में मशीन एक या दो बार ब्लॉक हुई, वार्डन्स भी आए, सो या ऐसे जो है मेरे को 4 घंटे लग गए, 4 से भी ज़्यादा लगे, यानी 4.5 घंटे लगे इसको कलेक्ट करने में। तो अभी जो है गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी के 3 शल्कर बॉक्स भी जल्दी से मैं इससे कलेक्ट करता हूँ, एंड फिर जो आपको आगे मिलता हूँ। लेट्स गो। Guys, it has been done. Yes, मैंने जो है, yes, जो तुमने अभी सुना, yes, I don't know मैं क्या बोल रहा हूँ, but yes, हमने जो है collect कर ली है 4 shulker box full of diamond. And अब जो है मैं जो तुम्हें घूम के दिखा रहा हूँ इंडिया पे। उधर भी दिख रहे हैं सबसे पहले, तो जो है जो चीज मेन है वो तुम्हें दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से निकले यार, यहाँ से एक खाली जगह चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। Alrighty, तो ये रहा पहला चलकर बॉक्स, इसको पहले भर देते हैं पूरा जितना भर सकते हैं। ओके ये भर चुका है, एंड नाउ अगर मैं निकालूं 1 2 3 1 2 3 तो 1 2 3 4 चारों के 4 शल्कर बॉक्स, जो कि मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए ट्रू, कि इससे जो है हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं मोस्ट डायमंड्स इन एनी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, माइनक्राफ्ट हार्डकोर इन द एंटायर वर्ल्ड। सो या लेट्स सी, ये हो चुके हैं सारे गाइस, इनको भी कलेक्ट करते हैं, इनको जो कलेक्ट करके मैं एक्चुअली अंदर रख देता हूँ ताकि ये रहें सेफ। अब ये सेफ है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रहे हैं। एंड या इसको तोड़ो, एंड अभी जो है गाइस मैं थोड़े से डायमंड यहाँ पे लगाता हूँ। एंड गाइस अभी जो है जितने भी तुम्हें आसपास जो है डायमंड्स दिख रहे हैं, तो इन सबको जल्दी से जो पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड फिर जो है बेस पे चलते हैं। लेट्स गो। ओह या बाय द वे गाइस, ये जो है डायमंड की मशीन पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, तो या दैट्स दैट, अभी जल्दी से और कलेक्ट करते हैं सारे। ऑलराइट गाइस, और नहीं मैं तो बोलने वाला था कि सारे के सारे डायमंड कलेक्ट कर लिए हमने, लेकिन भाई
भाई डायमंड पे डायमंड मिले जा रहा है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग दो भाई, कितनी बड़ी विन थी ये, डैम दैट वाज अ बिग विन भाई, डैम और इधर भी भाई साहब। ऑलराइट गाइस विद दिस मैं दोबारा बोलने वाला था यार, डायमंड कंप्लीट हो गया फिर एक और मिल गया, तो मेरे को डायमंड कलेक्ट ही नहीं करना है, कोई डायमंड देगा मैं लूंगा ही नहीं। लोल एनीवेज तो एक स्टैक दो स्टैक ढाई स्टैक जो है करते हैं ऑलमोस्ट गाइस, तीन स्टैक जो है यहाँ पे डायमंड के एक्स्ट्रा और मिल गए चार सेल करके बाद भी। तो ऑलराइट गाइस अब जो है चलते हैं, अरे यार एक और डायमंड मिल गया और मिल गए, ओके ऑलराइट अब फाइनली जो है घर पे चलते हैं एंड सारे डायमंड्स को जो है मैं जाके सबसे पहले प्लेस करता हूँ, लेट्स गो। तो गाइस ये देखो भाई साहब डायमंड का पहाड़, ओ माय गॉड यहाँ पे इतने सारे डायमंड्स हैं, प्लस यहाँ पे काफी सारे मॉब्स भी अभी तो थे यार, ओ माय भाई देखो कितने सारे मॉब्स हैं भाई साहब, देखो तो सही भाई क्या पहाड़ है। तो गाइस अभी जो है सबसे पहले मेरे को करना क्या है, मेरे को निकालनी है अपनी एंडर चेस्ट, कहाँ गया एंडर चेस्ट, निकालो, मेरे को निकालनी है अपनी फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स, ये लेता हूँ एंड सबसे पहले जो है इस पूरे डायमंड के पहाड़ को फॉर्च्यून करते हैं एंड होप करते हैं हमें जो है इससे 15,000 कुछ डायमंड्स मिल जाएं, क्योंकि 6,000 हमारे पास पड़े हैं एंड 15 प्लस 6 21 कुछ 22,000 हो जाएंगे तो हम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। ऑलराइट सो यार भाई बहुत मेहनत लगी एंड इट्स कम डाउन टू दिस नाउ, अब बस जो है हमें इसको फॉर्च्यून करना है एंड लेट्स सी भाई क्या होता है, लेट्स गो गाइस। गाइस तो हमने जैसे तुम देख सकते हो सारे के सारे डायमंड्स जो है मैंने माइन कर लिए हैं, ये रही से क्वालिफिकेशन फॉर्च्यून वाली मैंने रख दी है एंड सारे डायमंड्स दो ब्लू शल्कर्स में है एंड अब जाके कैलकुलेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये पूरा शल्कर बॉक्स डायमंड ब्लॉक से भर चुका है एंड ये वाला जो है यहाँ तक भरा है प्लस 8 डायमंड्स, तो यहाँ पे जो है मैंने अभी कैलकुलेशन करी एंड वी हैव एग्जैक्टली 22,130 डायमंड्स, दिस इज द न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जो है 2,000 ज्यादा डायमंड्स है डेंसा तक। सो गाइज नाउ वी हैव द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट डायमंड्स इन वन वर्ल्ड, ओ माय गॉड। एंड अभी जो इन डायमंड्स सबसे पहले तो कुछ बनाते हैं एंड जैसा तुम देख सकते हो इस वर्ल्ड की थीम से मेरे को जो है बीकन्स को ज्यादा ही पसंद है एंड मेरे एक चीज वो तो डायमंड्स हैं है, उसके साथ तो ये स्टैक तो मैं काउंट करना भूल ही गया, एक सेकंड सबको दोबारा से एक बार कैलकुलेट करता हूँ इनको जोड़ के भी। ऑलराइट गाइस तो मैंने दोबारा से कैलकुलेट करा एंड नाउ इंक्लूडिंग दिस बीकन वी हैव 23,606 डायमंड्स, ओ माय गॉड वी हैव 3,000 मोर देन सतक्सु। एंड सो सबसे पहले अभी जो है मैं ये सारे के सारे डायमंड्स यहाँ से निकालता हूँ एंड अभी सोचता हूँ इसका क्या बनाना है यार, देखते क्या बनाना है, अभी मैंने सोचा नहीं है बट इनको निकालते हैं एंड या इतना गाइस मैं सोच रहा हूँ इसका क्या बनाना, जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार एंड वीडियो को लाइक कर दो इतनी मेहनत के लिए प्लीज। ऑलराइट गाइस तो ये देखो ये बन चुका है यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा डायमंड बीकन एंड कुछ डायमंड बचे तो मैंने साइड में लगा दिए एंड एक चीज मैंने दोबारा से नोटिस करी गाइस जो कि है देखो ये वाले डायमंड हमने काउंट कर लिए राइट, ये वाले डायमंड काउंट कर लिए, ये वाले कर लिए बट ये वाले डायमंड तो मैं काउंट करना ही भूल गया था। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे चेक करा कि यहाँ पे डायमंड्स हैं कितने, चेक करता हूँ मटेरियल लिस्ट में, आई हैव ब्लॉक ऑफ डायमंड्स 540 और उसके बाद जब मैंने काउंट करा तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ चुके हैं 28,466 डायमंड्स, ओ माई गॉड भाई साहब मैं जिससे स्टार्ट कर रहा था लिटरली भाई साहब उससे 4 गुना ज्यादा हमारे पास डायमंड आ चुका है, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड को छप्पड़ फाड़ फाड़ के तोड़ दिया भाई साहब। यस दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 28,466 डायमंड हमारे पास हो चुके हैं एंड ऐसी गाइज मैंने रिसेंटली जो है एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा था जिसमें जो है गाइज मैं सबसे बड़े ओशन मोन्यूमेंट की जो है ड्रेनिंग करी थी एंड उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा था, उसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पर जाकर देखो मिलता है। सी यप गुड बाय बॉयज एंड गर्ल्स।